लक्ष्मण। राजा दशरथ की दूसरी पत्नी सुमित्रा ने दो पुत्रों को जन्म दिया था, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। पुराण की कथा के अनुसार लक्ष्मण शेषनाग का अवतार थे। जिस प्रकार शेषनाग सदैव भगवान विष्णु के समीप रहते थे, उसी प्रकार शेषनाग का अवतार लक्ष्मण विष्णु के अवतार राम के समीप थे। लक्ष्मण अपने मंतव्य में दृढ़ और निर्णय लेने में तत्पर थे, इसलिए गुरु वशिष्ठ ने उनका नाम लक्ष्मण रखा था। राम की आज्ञा का पालन करना और उनकी सेवा करना ही लक्ष्मण के जीवन का लक्ष्य था। दशरथ के वचन का पालन करने के लिए राम वन गमन के लिए तैयार थे, तो लक्ष्मण ने भी साथ जाने का आग्रह किया और अपनी मां सुमित्रा के लाड दुलार और नव विवाहिता उर्मिला को छोड़कर राम और सीता की सेवा करने के लिए उनके साथ चले गए। वनवास के दौरान रात्रि में राम और सीता विश्राम कर रहे होते थे, तब लक्ष्मण पूरी रात जागकर उनकी सुरक्षा करते थे। लक्ष्मण ने 14 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन किया और 14 वर्ष तक दिन या रात में कभी सोए भी नहीं। राम और रावण युद्ध में लक्ष्मण ने रावण से भी शक्तिशाली मेघनाद का वध किया। वे आजीवन राम के लिए जीते रहे और राम के लिए ही जीवन उत्सर्ग कर दिया। संभवतः इसीलिए जहां कहीं भी राम और सीता के मंदिर का निर्माण होता है, वहां लक्ष्मण का स्थान निश्चित होता है।